अलवर में कब्रिस्तान की भूमि के विवाद को लेकर मेव समाज फिर हुआ लामबंद। शहीद स्मारक पहुंचकर कब्रिस्तान की जमीन को खुर्दबुद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ जिले की अन्य कब्रिस्तान की जमीनों की भी जांच करने की मांग उठाई। अलवर में चमेली बाग कब्रिस्तान का विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में मेव समाज के एक पक्ष ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित सरकारी मशीनरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले को लेकर पूर्व मंत्री नसरू खान ने बताया, चमेली बाग कब्रिस्तान भूमि के मामले को लेकर 4 महीने पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने SIT गठित करने की बात कहकर समझौता करवाया था, लेकिन 4 महीने बाद भी कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा, ऐसे में मेव समाज चुप रहने वाला नहीं। नसरू खान ने बताया, कब्रिस्तान की भूमि बहाल करने की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकाला गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा, इसके बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो आए दिन गांव-गांव में जाकर काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकाला गया है। जी सर, बताइए आज किस मांग को लेकर रैली निकाल रहे हैं? हमारा जो चमेली बाग का पुराना जो कब्रिस्तान का मैटर चल रहा है, वो अभी 4 महीने पहले भंवर जितेंद्र सिंह जी ने उसका समझौता कराया था और SIT गठित की थी, और SIT गठित करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी जमीन को कब्रिस्तान को बहाल करने का था, लेकिन उन्होंने आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने आखिर अब निर्णय लिया है कि अब हम इसको कब्रिस्तान की बहाली के लिए आज मौन जुलूस निकालेंगे काले झंडे दिखा के। अगर ये अब नहीं मानेंगे, इसकी अगर कार्रवाई अभी भी नहीं करेंगे, तो हम इनको गांव-गांव में रोजाना इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे इनको रोजाना।